हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट जगह। जी हाँ फ्रेंड्स, और हम लोग आ गए हैं ईफल टावर पे। ये देखें आपके सामने इतना खूबसूरत ईफल टावर आसमान को छूते हुए। वैसे ये बादल देखे तो लग रहा है कि ये ईफल नहीं टेस्ला टावर है, बट एनीवे हम लोग आए हैं ईफल टावर में, मगर ये पेरिस नहीं बल्कि हमारा बहरिया टाउन है। और ये देखें ईफल टावर के सामने ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, हर तरह के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, खाने पीने की चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन इस वक्त ये सारी की सारी बंद थी बिकॉज़ दिन का टाइम था। पर अगर आप यहाँ रात को आते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो एक मज़ेदार किस्म का इन्होंने सेटअप किया हुआ होता है, सारी लाइट्स ऑन होती हैं और ये रोड बहुत प्यारी लग रही होती है। अब हमने सोचा कि क्यों ना इन सीढ़ियों को चढ़ के ईफल टावर के सेकंड फ्लोर पे पहुंचा जाए। अब इसको आप ईफल टावर कहते हैं या आईफल टावर कहते हैं आपकी मर्ज़ी, मैं इसको ईफल टावर कहती हूँ तो मैं इसको ईफल टावर ही कहूँगी। एनीवे हम लोग ये सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो इसकी सेकंड फ्लोर पे पहुँचे, और इससे ऊपर भी एक सीढ़ियाँ हैं और आप ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि हाइट फ्राइट है और वैसे भी बारिश हुई थी, थोड़ा थोड़ा पानी था, तो हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते थे कि कहीं स्लिप ही ना हो जाए। बट यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, ऊपर भी चढ़ सकते हैं, पता है और भी सीढ़ियाँ वो ऊपर से नज़ारे देखें आप जरा। बारिशों में जो है ना सही किस्म का जो है पानी। चले ना यहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं हम चार लोग। आप चुप करेंगे, मैं अपनी व्लॉग बना रही हूँ। सेल्फी ना नहीं मैला ले ही बना लेते हैं किसी का भाव सुहाए। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है वो जगह, है ना, ऊपर से आज फर्स्ट टाइम देखिए जगह। ये जो है ना सामने एक ज्यारत है, काफ़ी पुरानी, भी जाते हैं वहाँ पर भी, जो कि बहरिया टाउन ने पूरा सब कुछ डिमोलिश कर दिया, लेकिन ये ज़्यारत यहीं की वहीं मौजूद है, इसको नहीं वही ला सके। और ये है ईफल टावर का टॉप, तो हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, ये सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर और मुझे लेके भी नहीं जा रहे बिकॉज अभी मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डर लगता है। मैं यहाँ भी आ गई हूँ बहुत बात है, इतनी ज़्यादा हाइट पे मैं नहीं आई हूँ, नीचे बहुत करीब ही है बस, ये इतना इस तरह की सीढ़ियाँ भी उतरनी है। और अभी हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम तब आए थे जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी, खासी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए कितना हाइट पे है, ये ईफल टावर से भी हाइट पे है। ये है ईफल टावर और ये ऊपर मज़ार। और अब हम जाएंगे कुछ खाने। तो जैसे कि आपने सुना कि इकरा ने कहा कि अब हम कहीं जा रहे हैं खाने के लिए, लेकिन खाना खाने से पहले हम लोग एक जगह और भी रुकेंगे, और वो कौन सी जगह होगी वो तो आपको पता ही चल जाएगा। और ईफल टावर के इर्द-गिर्द जो शॉप्स बनी हुई थी जहाँ से खाना मिलता था, वो कौन कौन सी शॉप्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे उन सब की डिटेल्स हैं। क्लॉक टावर से जब आप लोग ग्रीन वैली की साइड पे जाते हैं तो ग्रीन वैली के बिल्कुल साथ ही खुला है अलफतेह स्टोर। हमने सोचा जाके देख के आते हैं कि वो किस किस्म का स्टोर है और किस किस्म की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। इनका इस्लामाबाद वाली ब्रांच तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये चूँकि नई ब्रांच थी तो यहाँ का विज़िट करना था। हमने सारे फ्लोर्स तो उनके विज़िट नहीं किए, बट उनका ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट ज़रूर देखा। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि वो किस तरह का बना हुआ है। जैसे मैंने स्पॉन्सर किया इसको, हाँ चलो आए चलते हैं, पते चलते हैं स्टोर, देखते हैं कैसा है।
37 में जमील स्वीट्स की ब्रांच अभी कुछ अर्सा पहले ही खुली है, और ये मेरा जो है जमील स्वीट्स का फर्स्ट विजिट था। तो मैं चाह रही थी कि मैं जिस तरह इसको एक्सप्लोर करूँगी तो साथ साथ आपको भी दिखा दूँ। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हों जो अभी तक यहाँ पे ना गए हों। मुझे तो ये बाहर से भी बहुत प्यारी लग रही थी और अंदर जाके भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ बहुत साफ़ सुथरा इनका हर चीज़ थी और अच्छे अच्छे सेक्शंस बनाए हुए थे। अभी आप जाके देखेंगे अंदर के किस तरह से बनी हुई है, और चीज़ें तो इनकी हमेशा अच्छी होती ही हैं। तो अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर आएँ, इनकी मिठाइयाँ इनकी चीज़ें सब बहुत बेहतरीन है। तो बहुत अच्छी सी लग रही है। कौन सी चटनी है ये? लाल चटनी। हाँ तो थोड़ी सी लाल ना डालें ना, थोड़ी सी ग्रीन डाल दें और थोड़ा सा दही डाल दें और चटनी डाल दें। सारा ये इमली वाला पानी डाल। कितने का है इनका एक वो बॉक्स? वन दो कर देना, है ना, दो कर दें। नहीं ये चाट है, ज़्यादा सही डालें। इसके भी वो सारा मसाले तो डालेंगे ना। हाँ ये तो गोलगप्पों वाला पानी लग रहा है। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। चटनी ये यस ये अमचूर वाला, ये कौन सा? ये लाल चटनी है। हाँ ये ज़्यादा डालें। हाँ लाल टपक रही है। पापड़ी डाल दें, पापड़ी अलग डाल दें एक शॉपर में। हाँ ताकि नरम हो जाएगी। हाँ कुछ खाने को पूरी करेंगे ना। और चार समोसे कर दें कीमे वाले। और थोड़ी सी जलेबी बहुत अच्छी लग रही है मुझे यार, मैं थोड़ी सी लूँगी ना, बहुत मज़े की लग रही है। देखो कितनी नरम 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 नहीं, क्रिस्पी लग रही है। और मैं चार गरम है, फ्रेश बने हुए नॉर्मल ही है, बस ठीक है नॉर्मल ठीक है। और क्या क्या कुछ करेंगे थोड़ी सी? हाँ वो देखा नहीं ये ऊपर बालों शाही। मैम आपको ये बनाने आते हैं घर में क्या? गुलाब जामुन। हाँ आते हैं। मोतीचूर के लड्डू हैं, बेसन के या पता नहीं मोतीचूर के हैं, बड़े मज़े के अच्छे लगे। ये क्या है पर? ये देखो ये कितने, ये बेसन की वो है मिठाई, राधा बर्फी, इनकी अच्छी होती है, नाम भी तो अच्छी, चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए ना। ये स्पेशल जो ये आती है ना हलवे, ये बड़े ही मज़ेदार। हाँ क्यों नहीं है? और ये मेरे ख्याल ये किस चीज़ का हलवा है? ऑरेंज का। ये तो मिठाई के हिसाब से था, मैंने थोड़ी महंगी होती है, ये कभी लिखा हुआ है 40 पर के जी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोहन, ये वो हम क्राफा बोलते हैं। हाँ आई होप आपको मेरे साथ इन सब जगहों में घूमने जाके बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको वाकई में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको ये देखना है कि हमने जमील स्वीट से क्या क्या लिया था तो आप जाके देखिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगली वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।